ने पहले हमको इसने पाबंद कर दिया, अब वो तारीख तय हो गई, अब इसको बदला बदली भी कैसे करें। आज सवेरे मैं कल कार्यक्रम के बाद बहुत थक गया था, थोड़ा सा मुझे लगा कि मेरे को आज सिरोही जाकर के आपका कार्यक्रम अटेंड करना था, तो भी इतना का भले ही कितना ही दूर जाओ हमारे कार्यक्रम में आपको 4:30 बजे पहुंचना है। मैं थोड़ी अपनी शक्ति थोड़ी सीमित हो गई थी इसलिए उस कार्यक्रम में नहीं गया। आज आपने तीनों सांसदों को यहाँ उपस्थित कर दिया, दोनों विधायकों को उपस्थित कर दिया। ये पंकज भाई है जो हमारी आलोचना भी करता है और प्रसन्नता भी करता है। और राजस्थान, वास्तव में राजस्थान विद्यापीठ जिसका मैं विद्यार्थी भी रहा हूँ और जिसका कर्मचारी भी रहा हूँ, जन्नू भाई का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हम जैसे गरीब बच्चों को रात्रि कॉलेज में पढ़ने का मौका मिला, इससे अपनी एजुकेशन करके इस दिशा में आगे बढ़े। उसके VC साहब भी यहाँ उपस्थित हैं, तीनों अधिकारियों को भी आपने यहाँ बुला लिया, अब बाकी कौन रहा। लांबा साहब के साथ काम किया मैंने, गोयल साहब के काम किया और कलक साहब के पिछले कुछ समय से मैं काम कर रहा हूँ। इस प्रकार का व्यक्तित्व, कभी कभी प्रशासनिक अधिकारियों का भी सम्मान करो जो वास्तव में अपना खून पसीना लगा करके काम करते हैं। हम लोग केवल और केवल उनकी आलोचना करते हैं पर उनकी अच्छाइयों को भी ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। तो मैं सोचता हूँ वास्तव में मैं कातिल साहब का, आपका और फर्स्ट इंडिया का बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं एक छोटा सा अध्यापक रहा हूँ मेरे से, और मैं ये जानता हूँ कितना भी बच्चा कमज़ोर हो अगर उसको अध्यापक शाबाश बैठे, ये तेने लाइन बहुत अच्छी लिखी, ये तेने बहुत अच्छा किया, तो वो और अच्छा करने का प्रयत्न करेगा। अगर आपने उसकी कमियाँ निकालो, ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया, तो फिर